अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और गर्मी के मौसम का मज़ा उठा रहे होंगे। तो आज मैंने बनाए हैं जो रेसिपी बहुत ही टेस्टी और इजी बनने वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। और ये रेसिपी आप बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी रेडी कर सकते हैं और बहुत ही पसंद करते हैं। मैं अपनी बेटी को खुद लंच में इसे देती हूँ। हेल्दी का हेल्दी है और बच्चे पेट भर के इसे खा सकते हैं। तो मैंने बनाया है आज सोयाबीन पुलाव, जो बहुत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही टेस्टी तरीके से आप घर पे आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं या मेरे तरीके से किसी पतीले या फिर कढ़ाई में बना सकते हैं। तो इसे मैंने सर्व किया है आलू गोश्त के साथ। साथ में हमारे पास है नमकीन, दही और सलाद, चटनी। आप किसी के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, बच्चों को इवन आप अचार के साथ भी टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे तो ये खुद ही इतना टेस्टी है कि अचार की से ज़रूरत नहीं है। तो आइए चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ले ली है सोयाबीन बड़ी, और इसे सोयाबीन चंक्स भी कहते हैं। इसे अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया है, बॉईल करके ड्राई कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, जिसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक और साथ में चुटकी भर हींग पाउडर। साथ में हमने ऐड कर दिया है हमारे सोयाबीन बड़ी इसके अंदर। अब इसे अच्छे से ड्राई करके फ्राई कर लेंगे, जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। अच्छे से इसे फ्राई करना है, अच्छे से ये ड्राई हो जाए, पूरा तेल इसमें समा जाए। उसी पैन में हमने ले लिया है ऑयल। यहाँ पे मैंने जो है 250 ग्राम तेल का इस्तेमाल किया है। उसमें मैंने स्लाइस किए हुए ऑनियन जो है वो फ्राई कर लिया है। यहाँ पे मैंने पुलाव बनाने के लिए है कुछ खड़े गरम मसाले, साथ में लिया अदरक लहसुन और टमाटर प्याज का पेस्ट। इस तरह रेडी करके जो हमने जिसमें फ्राई किया था ऑनियन, उसमें ऐड कर दिया खड़े मसाले, साथ में हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर प्याज चारों उसमें ऐड हैं। उसका पेस्ट हमने इस तरह रेडी कर लिया है। अब इसे अच्छे से हम हाफ कुक होने तक भून लेंगे। अब इसी में जब तक हमारा ये भून रहा है, उसमें ऐड करेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, साथ में 1.5 चम्मच हमने लिया है यहाँ पे नमक, जो हम अच्छे से भून लेंगे। हम लास्ट में हमारे पुलाव में नमक ऐड करेंगे, अगर हमारे टेस्ट के हिसाब से कम लगेगा। इसे हम फिर से हाफ कुक होने देंगे जब तक इसे हम इसमें एक अच्छा सा दानेदार जो है वो फ्लेवर नहीं आ जाता, दानेदार हमारा मसाला नहीं हो जाता, जब तक इसे हम अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ हमारा जो है मसाला दानेदार हो गया है, इसे हम अच्छे से भून लेंगे। 2-4 मिनट अच्छे से चला के से हम भून लेंगे। इसमें अब हम ऐड करेंगे हमारे सोयाबीन चंक्स, जो हमने ऑलरेडी फ्राई कर रखे थे, वो डाल के हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जब तक इसे हमें भूनना है, जब तक हमारा मसाला जो है सोयाबीन अच्छे से अब्सॉर्ब ना कर ले और हमारे सोयाबीन जो हैं वो डबल ना हो जाए। 5 आप ढक ढक के भी इसे अच्छे से भून लें, उससे जल्दी जो है सोयाबीन में अच्छे से फ्लेवर भी आ जाएगा और सारा एरोमा भी रहेगा उसमें। साथ ही मैंने लिया 1 कटोरी दही। आप फैटे हुए दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरह रेड दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप खट्टी दही का इस्तेमाल ना करें, आप नॉर्मल जो दही होती है उसका इस्तेमाल करें। खट्टी दही से थोड़ा खट्टापन आ जाता है, तो क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें टमाटर ऐड कर रखा है। तो यहाँ देखिए हमारे दही ने पूरा पानी छोड़ दिया और हमारे सोयाबीन जो है वो डबल हो गए हैं। तो ये देखिए, और इसे हम अच्छे से जब भूनेंगे, जब तक हमारा जो है सारा दही अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, हमारा सोयाबीन सारे मसाले अच्छे से नहीं सोख लेता। यहाँ पे मैंने ऐड किया है गरम मसाला। अगर आपके पास गरम मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे से हम जब तक भूनेंगे चला के, जब तक हमारा मसाला ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखिए हमारा दही बिल्कुल ड्राई हो गया, हमारे सोयाबीन जो वो डबल हो गए। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बासमती राइस का मिनी दरबार। आप लॉन्ग राइस भी ले सकते हैं या गोल्डन सेलर राइस भी ले सकते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पे अच्छे से भून लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे, भूनने के बाद ऐड करेंगे हमारे राइस, उसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया हमारे राइस, अच्छे से चलाएंगे जब तक हमारा पानी ड्राई नहीं हो जाता।
तो ये हमारे जो है वो चावल हो गए हैं ड्राई। यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव किया हुआ पानी, हल्का सा वार्म वाटर आप ऐड करना, आप चाहे माइक्रोवेव कर लें या नॉर्मली चूल्हे पे गर्म कर लें। गार्निशिंग के लिए इसमें ऐड किया है मैंने धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती और साथ में कुछ हरी मिर्च, 4 से 5 हरी मिर्च ली हैं। आप ध्यान दें कि अगर आप बच्चे भी आपके खा रहे हैं तो आप तीखी हरी मिर्च का इस्तेमाल ना करें, आप नॉर्मल हरी मिर्च ले सकते हैं। तो यहाँ हमारा सोयाबीन बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो के और 10 मिनट दम लग के इस तरह रेडी हो गया, मैंने उसे अच्छे से चला लिया। साथ में ऐड किया है मैंने ब्राउन ऑनियन, उसे डालने के बाद इसे हम 10 मिनट का दम देंगे। अगर आप कलर या केवड़ा वाटर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ हमारा पुलाव सोयाबीन पुलाव बनके तैयार है।